तारा तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी है, तो देख देख के दुनिया जलने वाली। यारा तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। और अभी बज रहे हैं शाम के 6 बजे है। आज डेट याद नहीं मुझे कि आज कौन सी डेट है, मैं भूल गई हूँ डेट कौन सी है, पर मुझे लगता है कि आज 26 सितंबर है। आई थिंक 26 सितंबर है। और अभी शाम के 6 बजे है और आज खाने में बनेगा मेथी के थेपले, जो सबको अच्छा लगता है, एक को अच्छा नहीं लगता है, जिगर को अच्छा नहीं लगता, हम सबको अच्छा लगता है। और आप पीछे देख रहे हैं कपड़े, तो उसको भी ठीक करना है। तो आज लेट इसलिए हो गया क्योंकि दूसरा वीडियो बना रही थी, तो इसलिए सारा काम लेट हो गया। और चलो मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मैंने मिंत्रा में से क्या क्या मंगवाया है। दिव्या और क्या कर रहा है वो तो मैंने आपको दिखा दिया। जैनसी दिव्या बहुत मस्ती कर रही बाहर बैठे बैठे, उनको नहीं पता है कि मेरी मम्मी को पता है। और जिगर का तो आपको पता है कि शाम के 7:30 बजे के बाद आएंगे। यहाँ कुछ लगा है और मुझे ऐसा लग रहा है बार बार कि मेरी नाक पर आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो मैंने मिंत्रा में से जो भी प्रोडक्ट बाय की थी वो आपको दिखा देती हूँ फटाफट से। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मैं इसको ठीक से रख दूँगी। तो एजेंसी के लिए मैंने फ्रॉक लिया था मिंत्रा में से, इसको मैंने वॉश किया हुआ है। और ये सिल्क रेयन कपड़ है, आप देख सकते हैं। और इसको मैंने वॉश किया, कलर कुछ भी नहीं गया है। तो ये इसकी नेक है और नेट में है, तो ये एजेंसी का है, पिंक कलर का है और लाइनिंग है ब्लू कलर की क्रॉस में। और ये दूसरा मैंने मंगवाया था, डार्क बॉटल ग्रीन कलर का कुर्ता है और विथ प्लाजो है। ये प्लाजो है इसका, आप देख सकते हैं। इसके अंदर गोल्डन कलर की प्रिंट है और यहाँ पे छोटी छोटी बुट्टी लगाई हुई है और अंदर उकाई दी है, आप देख सकते हैं। ये आई है और ये उक है, साइड कट है। तो एक ये मैंने मंगाया था और ये प्योर कॉटन का है और वॉशेबल है। और ये भी इसका प्लाजो है, आप देख सकते हैं कि अंदर गोल्डन जो छोटी छोटी प्रिंट है बहुत अच्छी लग रही है। और ये भी आप यहाँ आप जितना चाहो इतना प्लेट भरना पड़ेगा, आपको फिटिंग करनी पड़ेगी यहाँ से, तो अच्छा है। और यहाँ साइड में पॉकेट भी है। और हाँ, कुर्ती में भी शायद पॉकेट है, मैंने देखा था अभी। हाँ, इसमें भी पॉकेट दिया हुआ है। तो एक एक कुर्ती विथ प्लाजो, ये भी मैंने मिंत्रा में से बाय की है। दूसरा मैंने लिया है एक ये सिल्वेस स्ट्रेट कुर्ती ली है मैंने, ये भी ग्रीन कलर है, जो मिलिट्री ग्रीन कलर आता है वो है। और इसके ये प्रिंटेड है और ये भी रेयन है, ये भी वॉशेबल है। और आप इसकी नेक देख सकते हो ग्लो। और पूरी कुर्ती में बटन लगी हुई है, एक ये मैंने ली थी, ये भी वॉशेबल है। और ये मैंने जैकेट लिया था, ये भी मिंत्रा में से मैंने बाय किया हुआ है, तो आप देख सकते हो ऑरेंज ग्रीन प्रिंटेड है और कॉटन का है। और ये छोटी छोटी बुट्टी लगी हुई है, आप देख सकते हो। तो ये मैंने जैकेट ये भी मिंत्रा में से बाय किया हुआ है। और ये आप देख सकते हो येलो कलर के अंदर ग्रीन कलर का प्रिंटेड है। वैसे तो
इसमें वाइट कलर भी है, ग्रीन कलर भी है और बिस्किट कलर भी है। और ये जो है अम्ब्रेला टाइप लॉन्ग कुर्ता है, और उसकी राउंड नेक है सिंपल सी, और यहाँ पे बटन दिए हुए हैं आप देख सकते हो, और कॉटन है। और ये भी इसकी साइड में भी प्रिंटेड प्रिंट है, और पीछे पूरा बैक जो है वो प्रिंटेड है आप देख सकते हो। तो एक ये लिया है मैंने, और ये भी वॉशेबल है। ये मैंने कुर्ता लिया है, आप देख सकते हो उसका कलर कितना अच्छा है, और गोल्डन प्रिंटेड है, छोटी छोटी सी प्रिंट गोल्डन में है, कितनी अच्छी लगती है आप देख सकते हो। और ये इसकी नेक है, वी में है, राउंड वी में है, और ये भी फुल लेंथ में है और साइड कट है, और बैक साइड भी आप देखोगे कि पूरा गोल्डन पट्टा, गोल्डन प्रिंटेड पट्टा है, यहाँ भी गोल्डन प्रिंटेड पट्टा है, और ये भी वॉशेबल है और रेयन है। दूसरा भी मैंने लिया है ग्रीन कुर्ता, और ये भी साइड कट है और लेंथ है, फुल लेंथ में है, और इसका कापड़ भी बहुत अच्छा है, रनिंग में पहनने के लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें उक दिया है, उकाई दी है, तो आप देख सकते हो। तो एक ये भी वॉशेबल है, और फिर एक ये मैंने मंगवाया है, ये प्रेस नहीं किया हुआ है क्योंकि मुझे फिटिंग करनी, जो कुर्ती है सारी उसकी फिटिंग कब से आ गई थी, पर इसको ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था मशीन पे, तो इसलिए पूरी क्रीस पड़ गई है कुर्ती पे, क्योंकि इसकी फिटिंग करनी है। सबसे पहले तो मुझे इसका प्रेस करना पड़ेगा, बाद में फिटिंग करनी पड़ेगी। तो ये भी रेयन कापड़ है, और ये अम्ब्रेला में है, और बीच में कट है, और पूरा बटन दिया हुआ है, फुल बटन कुर्ता है। तो एक ये कुर्ता मैंने लिया था, जैसे ऐसे रखा है ना वैसे ही इसको रख दिया था देखने के बाद जब आया था, तो इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा क्रीज पड़ गई है। और एक ये साड़ी ली है मैंने, तो ये भी ग्रे कलर में है, फ्लावर प्रिंट है इसके अंदर आप देख सकते हैं। और ये जो है इसका ब्लाउज पीस है ये पूरा, तो ब्लाउज पीस का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है, और ये पूरी साड़ी है आप देख सकते हो, ये गोल्डन पट्टा दिया हुआ है नीचे और ऊपर दोनों साइड, और पहनने के बाद इतनी इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। और ये पूरी सिल्क में है आप देख सकते हो, और ये इसका पल्लू है, मैं आपको दिखा दूँ, ये उसका पल्लू है, तो एक ये साड़ी। तो फ्रेंड्स, ये सारी मैंने शॉपिंग जो की थी वो मिंत्रा में से की थी, और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। अभी मुझे काम करना है बहुत सारा, क्योंकि 6:30 बजने को आए हैं, खाना बनाना बाकी है, इसको तो मैं जब खाना बन जाएगा खा लेंगे, रात को मैं लिखता हूँगी, क्योंकि अभी मैं इसको नहीं कर सकती हूँ, अगर इसको करूँगी तो रात का खाना बनाने में लेट हो जाऊँगी, तो सबसे पहले मैं रात का खाना बना दूँ। और सारे जो कुर्ते हैं वो मैंने फुल लेंथ में लिए हैं। तो चलो मैं आपको बाहर का, ए गाड़ी ऊपर से नीचे उतरने माहौल थोड़ा दिखा देती हूँ। और आज भी बारिश आई थी, नहीं आज बारिश नहीं आई थी, कल बारिश आई थी, बहुत बारिश आई थी कल, तो लाइट चालू कर दूँ, और बस मेथी लेकर रखी है मैंने यहाँ पे, तो उसको ले लूँ क्योंकि उसको साफ करनी पड़ेगी। अभी आप देख सकते हो मेथी की हालत ऐसी ही है।
so tight. Meet a stranger, jump right in your car. Waking up on your sofa. Next to half filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know you. But if you wanna go sometime. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं ढोकला बना रही हूँ दोपहर के लंच के लिए, तो दिव्या भी लंच बॉक्स में ढोकला ही ले जाएगा। और सॉरी फ्रेंड्स, मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाई ढोकले की रेसिपी के साथ। उसका रीज़न यही है कि मुझे पता नहीं था कि कैमरा ऑफ चल रहा है। बाद में मुझे पता चला कि जो मैंने पूरी रेसिपी की वीडियो की थी वो तो हुई ही नहीं क्योंकि कैमरा ऑफ था, इसलिए तो बस यही कर रही हूँ। और कल भी मैं पूरा वीडियो नहीं कर पाई, तो सॉरी फ्रेंड्स इसके लिए भी। तो बस आज मैं यहाँ फटाफट से काम ख़त्म कर लूँ, और देर भी काफ़ी हो चुकी है, दिव्या के स्कूल के जाने का भी टाइम हो चुका है, तो फटाफट से बस ये ढोकला बन जाए तो उसको खाने में भी दे दूँ और लंच बॉक्स में भी फटाफट से भर दूँ। तो दिव्या रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए और वो स्कूल जा रहा है। आप देख सकते हो कि बारिश चालू है और बस उसकी साइकिल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है पता नहीं, तो वहीं देख रहा है। और उसको मैंने बोला था कि रेनकोट पहनने के लिए, फिर भी उसने रेनकोट नहीं पहना। और इतनी ज़्यादा बारिश नहीं है फिर भी स्कूल जाते जाते तक तो वो आधा भीग जाएगा, और पूरा दिन ऐसे भीगे कपड़ों में निकलना तो बाद में खांसी या बुखार भी हो सकता है, क्योंकि अभी बीच में उसको ज़्यादा खांसी और बुखार हो चुका था। तो बस यही है, तो बस अब दिव्या स्कूल जाएगा, उसके बाद मैं घर का सारा काम करूँगी। कपड़े अदले बदले, जूते भी और चप्पले, शर्ट जो ले गया था तू अपने पास ही रख ले। वैसे तो मेरा भाई तेरे लिए मार भी खाई, सैलरी 2 महीने की तेरे पते पे उड़ाई, और उसका क्या जो तूने परसों ठोकी मेरी गाड़ी। यारा तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी, यारा तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी है, जो देख देख के दुनिया जलने वाली। यारा तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी है, है। तो गुड मॉर्निंग, और अभी 10:30 बजे हैं। आपने देखा कि दिव्या स्कूल चला गया है, मैंने उसके लिए ढोकला बनाया था, तो ढोकले में एक चीज़ डालने भूल गई क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, 9:30 बज गए थे, और मुझे ऐसा था कि अभी एक मिनट में थोड़ा सा वॉइस कम कर दूँ। और तो 9:30 बज गए थे, तो मुझे ऐसा था कि अभी 8:30 बजे दिमाग में ऐसा ही चल रहा था, देख रही थी कि 9:30 बजे, पर ऐसा लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि 8:30 बजे हैं। फिर एकदम से मुझे याद आया कि 8:30 नहीं 9:30 बजे है, तो फटाफट से मैंने उसको ढोकला बना दिया। और फिर बाद में मुझे याद आया कि मैंने उसके अंदर साजी के फूल नहीं डाले हैं, तो फिर उसको डाला और बना दिया फटाफट से। वो भी तो अच्छा हुआ था कि एक प्लेट ही बनाया था मैंने ढोकला, और मुझे याद आया, और फटाफट से फिर वो चला गया लंच बॉक्स में लेकर, और यहाँ खाकर जाता है। और बस कुछ नहीं, आज रात को मैंने कितने बजे तक, रात को 2:30 बजे तक दूसरा जो वीडियो है मेरा उसकी मैंने एडिटिंग की थी, तो शायद मैं 2:30 या 3 बजे सो गई थी, तो सुबह उठा ही नहीं जा रहा था, इतनी नींद आ रही थी। अगले दिन मैं सोचती हूँ कि सुबह मैं जल्दी उठूँ और सारा काम निपटा दूँ फटाफट से, 8-9 बजे तक सब कुछ ख़त्म कर दूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है कि लास्ट टाइम 2:30 हुई थी रात को, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम बाकी था तो वो भी मैंने एडिटिंग में कर दिया था। और पता नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी 3 बजे के बाद, सच में नींद नहीं आ रही थी। मुझे पता था कि सुबह जानसी को स्कूल है, जल्दी उठना है, फिर भी बहुत कोशिश कर रही थी तो ऐसा हुआ था। तो रात को पता नहीं मैं कब सो गई थी, तो सुबह उठा ही नहीं जा रहा था, और फिर भी जानसी को स्कूल जाना पड़ता है तो उसके लिए तो उठना पड़ता है, उसकी फिर उसको तैयार करना पड़ता है, सब कुछ काम रहता है सुबह सुबह में। तो अब जानसी आ जाएगी स्कूल से, और बाहर बारिश बहुत तेज़ हो गई है। अच्छा, दिव्या
स्कूल पहुंच चुका हो तो अच्छा है, अब तक तो वो पहुंच चुका होगा, पर क्योंकि अभी छींटे पड़ रहे थे, अब तो बारिश ही स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही बादल घने छाए हुए हैं। सच में बहुत लगता है कि बहुत बारिश आएगी और सच में बारिश आ ही रही है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक पहले करो और बाद में आराम से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मैंने पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपका जो एक लाइक होता है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है आपका एक लाइक। और वीडियो देखते हो तो अरे यार, लाइक करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय। बाहर जोरों शोरों से बारिश चालू हो चुकी है, मैं आपको लास्ट में ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, एंड अपना ख्याल ज़रूर रखना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।